देखिए, जब अफसर थे, कलेक्टर थे आपने, मैंने सुना काफी यहाँ पे काम कराया, जब कोंडा गांव में आप 2-2.5 साल थे तो आप तब भी जनसेवा कर रहे थे, तो नेता ही बन के जनसेवा करने की क्यों सोची आप? नीलकंठ जी, मुद्दे तो अच्छे हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़ा है ना, वो 2 बार जीत चुका है और पार्टी ने उसे 3री बार दिया है, और वो भी ऐसे ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बन के नेता बन गए, पक्के नेता होंगे 10 साल में, तो उन्हें कैसे हराएंगे आप? तो हम पहुंचे हैं केशकाल, और हमारे साथ जो हैं, पहले ये अफसर थे, अफसरगिरी इन्होंने खूब की है, अब ये नेतागिरी में आ गए हैं। तो ये जो अफसरगिरी, आप कलेक्टर रहे यहाँ पे कोंडा गांव में, और आपने अफसर की एक अलग एक रुतबा होता है, और नेतागिरी का एक अलग पूरा कैनवास होता है, तो ये किस तरीके से आप इसमें अपने को पा रहे हैं नेतागिरी में आके? दोनों के पीछे जन कल्याण होता है, और वही मेरा लक्ष्य भी है, और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा असुविधा भी नहीं हो रही है। मैं तब भी पब्लिक के बीच में रह करके ही काम करता था, और अब भी पब्लिक के बीच में ही दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देखिए, जब अफसर थे, कलेक्टर थे, आपने मैंने सुना काफ़ी यहाँ पे काम कराया, जब कोंडा गांव में आप 2-2.5 साल थे, तो आप तब भी जनसेवा कर रहे थे, तो नेता ही बन के जनसेवा करने की क्यों सोची आपने? देखिए, समय बहुत कम है, और मैं पिछले 3 सालों से मेरा कांग्रेस सरकार जो है ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय का उपयोग किया जाए और जनता के बीच जा कर के जो बाकी मेरी बस्तर को लेकर के कल्पना है, खास करके उस कल्पना को यहाँ की जनता के लिए जो कुछ भी मैंने सीखा अभी तक के प्रशासनिक दक्षता जो मैंने हासिल किया है, उसके माध्यम से यहाँ के लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसके लिए फिर मैं आया। मैं वो पूछूंगा कि आप क्या करने वाले, लेकिन एक चीज़ क्या होता है, हमने पहले भी देखा, ओपी थे मेरे मित्र हैं, वो पहले कलेक्टर थे, वो बने नेता, लेकिन वो हार गए। क्या होता है, अफसरी गृह से बाहर निकल नहीं पाता, तो आप इसमें क्या नया कर पाएंगे कि आप जीत जाएं यहाँ पर? बस 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए। तो ये जो जनता आपकी खड़ी है आसपास जो यहाँ पर है, भाई दिखाओ जरा, ये सब बहुत अच्छी भीड़ है यहाँ पे, इनका पूरा जो निकल रहा है केशकाल में, तो ये जो जनता है, और इसके अलावा भी जो बाकी जनता है, इसमें तो कार्यकर्ता भी हैं, ये आपको क्यों वोट दे, या बीजेपी को क्यों वोट दे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता खास करके विशेष बस्तर के जो लोग हैं, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए 1 रुपया किलो चावल देने का काम किया, और वो हार्ट टचिंग काम रहा है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाएं जो यहाँ पर चल रही है, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना कह सकते हैं, जैसे हम ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन इस समय कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय देखेंगे तो लगभग 17 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मकाने हैं वो बनना रुक गया है। अकेले कोंडागांव जिला की हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा आवास के काम जो हैं वो रुक गए हैं। बस्तर के मामले में अगर हम देखें तो स्थानीय भर्ती का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, 5th शेड्यूल इलाका होने के नाते अभी अखबार की सुर्खियों में भी ये आई है कि 4500 लोगों की भर्ती इस समय पिछले 5 सालों में किया गया, उनमें से मात्र 200 लोग हैं जो बस्तर के रहने वाले हैं, बाकी सब बाहर से आकर के नौकरी में बैठ गए हैं। तो नीलकंठ जी, मुद्दे तो अच्छे हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़ा है ना, वो 2 बार जीत चुका है और पार्टी ने उसे 3री बार दिया है, और वो भी ऐसे ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बन के नेता बन गए, पक्के नेता होंगे 10 साल में, तो उन्हें कैसे हराएंगे आप? वो तो मानसिक रूप से पहले हार गए हैं, इसलिए वो मतलब अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं, और वो मानसिक रूप से हार मान चुके हैं, और आम जनता जो है उनके 10 साल के कार्यकाल को देख चुकी है, उन्होंने इतने सारे वादा खिलाफी किया है कि लोग उनके नाम से चिढ़ने लग गए हैं। चलिए, ये तो पता लगेगा जब 7 तारीख को यहाँ पर वोट होगा कि किसको ज़्यादा वोट पड़ता है, लेकिन ये बहुत देखने लायक होगा कि एक अधिकारी एक नेता बनकर कैसे काम करता है।